छत्तीसगढ़ के किसानों को अमानक वर्मी कंपोस्ट खाद बेचे जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा बेमेतरा ने कलेक्टर का घेराव किया है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों के साथ में अमानक खाद को लेकर संयुक्त कलेक्टर कार्यालय के प्रवेश द्वार पर अमानक खाद का छिड़काव कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को गिराते हुए संयुक्त कलेक्टर के प्रवेश द्वार पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। इनका आरोप है कि किसानों को जबरदस्ती अमानत खाद, जिसका कोई कंपोस्ट खाद में कोई तात्पर्य ही नहीं, जो सिर्फ मट्टी है, ऐसे में अमानत खाद को किसानों की जबरदस्ती थमाया जा रहा है, उनको आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है। भाजपा के पूर्व विधायक अवधेश चंदेल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की भूपेश सरकार ने किसानों को छलने का काम किया है। उन्होंने पीड़ित किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। हमें गुणवत्ताहीन अमानक वर्मी कंपोस्ट बना है, जिसको किसानों को जबरदस्ती थमाया जा रहा है सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा, वो तत्काल बंद हो। और हम चाह रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट का जांच हो। हम लोगों ने भी करीब 100 हमारे कार्यकर्ताओं ने गौठान का निरीक्षण किया था। सारे जगह कुछ गौठान छोड़ दे, कुछ जो समिति बना रही उसको छोड़ दे, तो बाकी सब अमानक है, उसको तत्काल बंद किया जाए। किसानों को 24 घंटा बिजली दी जाए, किसानों को अविलंब जब उनको ट्रांसफार्मर की जरूरत हो उनको ट्रांसफार्मर दिया जाए। ये क्योंकि गरीब किसान है, कितने मुश्किल में पैसा कमाते हैं, और इस टाइम ऐसे है किसी के पास पैसे भी नहीं होता। इस टाइम में वो अपना जो है मिट्टी के जो बनाए हुए है, बोलते हैं गोबर है, गोबर होता तो ले लेता, ऐसे जो है वो खाद बेच रहे हैं जो मिट्टी, और उसमें मतलब क्या बताऊं, जो डालेगा अगर उसमें धान में तो धान भी मर जाएगा। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम प्राप्त, इस संबंध में हम परीक्षण करते हैं और हो सके जिला स्तर पे करने की होगी तो जिला स्तर पर।